नमस्कार मित्रों, मैं रमणीक वेग आपके समक्ष हूँ। मित्रों, आज मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप सबको कि बहुत कुछ हमको छोटे बच्चों से सीखने को मिलता है। बहुत बार ये ऐसी बातें कह जाते हैं जो वाकई ही बहुत गंभीर होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और बहुत कुछ उनसे आप सीख सकते हो। मित्रों, कल रात को मैं अपनी बिटिया के साथ बैठा हुआ था, वो 8 साल की है। मैंने उसको पूछा कि बेटा, जब भी तुम्हें इंजेक्शन लगवाते हैं, जब भी तुम्हें इंजेक्शन लगवाया जाता है कोई भी, तो तुम बड़े प्यार से लगवा लेती हो। मैंने कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि तुम रो रही हो या तुम्हें डर लग रहा है या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है। मैं देखता हूँ हमेशा इतने सालों में तुम बड़े प्यार से इंजेक्शन लगवा लेती हो। ऐसा कैसे, ऐसा क्या है कि तुम्हें इंजेक्शन लगवाने में मज़ा आता है? तो कहती है बड़े हंस के, पापा ऐसा है कि जब इंजेक्शन लगवाना होता है ना, तो मैं कुछ फ़नी बातें सोचती हूँ। जब डॉक्टर सुई लगाने वाला होता है, मैं फ़नी बातें सोचती हूँ। मैंने कहा, क्या भाई फ़नी क्या सोचते हो? कहती, पापा मैं सोचती हूँ कि जैसे एक मोटा सा आदमी बहुत सारे लड्डू खा रहा है और कोई उसके मुंह के अंदर लड्डू पे लड्डू डालता चला जा रहा है और वो खा ही नहीं पा रहा और उसका पेट और मोटे से मोटा होता चला जा रहा है। तो ये बहुत फ़नी बात है। तो पापा, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो ना, तो आप भी फ़नी बातें सोचा करो, तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मैंने इस चीज़ को बड़े ध्यान से सोचा जो मेरी बिटिया ने बताया, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोस्तों, जब भी हमको कोई परेशानी हो या हमें ऐसा लगे कि हम अपना आपा खो रहे हैं या हमें ऐसा लगे कि बहुत टेंशन हो रही है, हम बहुत तनावग्रस्त हैं, तो कोई फ़नी बात सोचें, कोई फ़नी चीज़ के बारे में सोचें, कोई मजाकिया बात सोचें, कोई ऐसी बात सोचें जिसको देख के हमको अंदर से बहुत हंसी आए, चाहे वो कोई पिक्चर का सीन हो, चाहे किसी आस पड़ोस की कोई ऐसी बात हो जिसको सोच के बहुत हंसी आती है, कोई भी ऐसी बात सोचें कि जिससे हमें अंदर से बहुत हंसी आए, तो अपने आप हमारी टेंशन, हमारा क्रोध, हमारा तनाव बहुत कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आप भी इस चीज़ को करके देखिए। मैंने ये वीडियो खास इस तौर पे बनाया, इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे वो अपनी बिटिया की बात वाकई ही बहुत अच्छी लगी। मुझे वाकई ही लगा कि जो इसने तरकीब बताई, अगर हम अपने पे इस्तेमाल करें तो हमें टेंशन बहुत कम होगी। जब भी हमें क्रोध आ रहा होगा, हम उसको एकदम से रोक पाएंगे। तो जब भी आपको भी क्रोध आए या आपको ऐसा लगे कि बहुत टेंशन हो रही है, बहुत तनाव हो रहा है, तो कोई फ़नी बात सोचिए, ऐसी बात सोचिए जिसको देख देख के हमें सोच सोच के बहुत हंसी आती है। और मुझे यकीन है कि आपको भी ये फ़नी बात वाली थेरेपी बहुत अच्छी लगेगी और ये बहुत कारगर है। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ और आपका दिन शुभ रहे।